इम्पॉर्टेंट एडजस्टमेंट। लाइफ इंश्योरेंस, नहीं पहले लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम कर लेते हैं। बच्चे कह रहे हैं टेलीग्राम पे शेयर कर देना ये सर इमेज, बिल्कुल कर देंगे। चलिए लॉस बाय सॉरी लॉस कह रहा, इंश्योरेंस प्रीमियम। सबसे पहले तो आपको समझना होगा सर इंश्योरेंस प्रीमियम होता क्या है। हमारे इंश्योरेंस की कैटेगरी देखा जाए ना तो सर इंश्योरेंस ना नॉर्मली तीन तरीके का होता है। आपने 11वीं क्लास के अंदर पढ़ा हो अगर तो ठीक से, कौन कौन सा होता है? एक होता है सर लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी जिसे LIP भी बोल देते हैं, और एक होता है जनरल इंश्योरेंस जिसे GI बोल देते हैं, और एक होता है मरीन इंश्योरेंस जिसे MI बोल देते हैं। मरीन इंश्योरेंस जो शिप का होता है, तो शिप के लिए, तो ये वाला तो हमारे सिलेबस का कुछ लेना ही देना नहीं है सर, इसे तो हटा ही दिया। अब बात करते हैं सर जनरल इंश्योरेंस और लाइफ इंश्योरेंस। तो यहां पे किसी नेचुरल पर्सन का होता है, ये नेचुरल पर्सन बोले तो सर मालिक ही है, वो अपना करा सकता है क्योंकि हमारा सोल प्रोप्राइटर है तो दुकान के अंदर एक ही मालिक होगा। GI के अंदर ये होता है गुड्स का, ये हमारा सामान का होता है, किसी भी गुड्स का हो सकता है। तो अगर आपने इंश्योरेंस करवाया है अपने सामान का तो वो तो कनेक्टेड हो गया बिजनेस से, बिजनेस का खर्चा है। लेकिन अगर आपने इंश्योरेंस करवाया है अपना पर्सनल लाइफ का इंश्योरेंस, तो सर वो बिजनेस का खर्चा नहीं है, वो आपका खर्चा है। और अगर आपने बिजनेस में से पैसे निकाल के दिए हैं तो दैट इज डायरेक्टली इनडायरेक्टली क्या हो जाएगा, आपका ड्रॉइंग हो जाएगा। वो क्या हो जाएगा, इनडायरेक्टली ड्रॉइंग हो जाएगा। पहले यहां तक देखिए क्लियर है, यानी आपका लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम क्या होता है सर, ड्रॉइंग। क्यों लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम ड्रॉइंग होगा, क्योंकि सर वो बिजनेस से तो हो नहीं रहा, वो किसका हो रहा है, मालिक का, खुद का। और अपना जब कभी भी कुछ भी कराओगे तो वो क्या होता है, हमारा पर्सनल यूज, और पर्सनल यूज जैसे ही इन्वॉल्व होता है वो क्या माना जाता है, ड्रॉइंग। अगर ड्रॉइंग हुआ तो कहां चला जाएगा, सीधा कैपिटल में से माइनस हो जाएगा। अब बात करते हैं सर जनरल इंश्योरेंस। जनरल इंश्योरेंस कोई भी हो वो किससे रिलेटेड होगा, बिजनेस से रिलेटेड होगा सर। अब इंश्योरेंस ना आपका जनरल इंश्योरेंस हो चाहे कोई भी हो, इंश्योरेंस हो सकता है आपको 15 महीने का दे दे, 15 महीने का दे दे, तो आप P&L कितने महीने के लिए प्रिपेयर करते हो, 15 महीने या 12 महीने के लिए? 12। अगर 15 महीने का कोई इंश्योरेंस दे रखा है जिसे आपको P&L में दिखाना है, तो 3 महीने का आप क्या करोगे, वहां से हटा के सिर्फ 12 का दिखाओगे और 3 महीने के बैलेंस शीट के एसेट्स में दिखाओगे। तो इसी के ऊपर पूरा बेस्ड है हमारा सर, क्या बेस्ड है, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम इंक्लूड इन जनरल इंश्योरेंस। तो मैं इसके आगे की लाइन और क्लब कर देता हूं, आगे की लाइन क्लब करता हूं मैं, प्लस इंक्लूड इन जनरल इंश्योरेंस, जनरल इंश्योरेंस या सिर्फ जब मैं बोलू ना इंश्योरेंस तो मतलब सर बिजनेस वाला है। एक बच्चा पूछता है सर हमें कैसे पता चलेगा कौन सा इंश्योरेंस है, सिर्फ इंश्योरेंस लिखा है तो सिर्फ इंश्योरेंस में कौन सा मानोगे, बिजनेस वाला, जनरल। और जब तक लाइफ ना बोले तो लाइफ इंश्योरेंस नहीं कंसिडर करना है। चलिए सर अब यहां पे देखा जाए तो दो बातें हो सकती है, और ये हमेशा एडजस्टमेंट में होगा। या तो आपका दे रखा होगा मैं बात कर लूं ट्रायल बैलेंस में, ट्रायल बैलेंस में ट्रायल बैलेंस के बाद या दे रखा होगा, कहां दे रखा होगा सर, एडजस्टमेंट में, या फिर हम इसको बाद में देखेंगे, पहले ट्रायल बैलेंस में देख लेते हैं। सर ट्रायल बैलेंस में दो चीजें हो सकती है,
अब बताइए, लाइफ इंश्योरेंस और जनरल इंश्योरेंस एक ही है, अलग अलग है? अलग अलग है। अगर ट्रायल बैलेंस में दे रखा है लाइफ इंश्योरेंस, तो सर ट्रायल बैलेंस में अगर लाइफ इंश्योरेंस दे रखा है तो क्या करेंगे इसका? ये तो हमारे बिजनेस का खर्चा है नहीं, तो इसको क्या करना चाहिए? लेस कर दीजिए फ्रॉम कैपिटल, लेस फ्रॉम कैपिटल। सर अब बात करें अगर जनरल इंश्योरेंस या सिर्फ इंश्योरेंस दे रखा है, तो सर सिर्फ इंश्योरेंस कौन से वाला इंश्योरेंस होगा? जनरल, जो कि बिजनेस से ही कनेक्टेड है। इसे कहाँ दिखाइएगा? प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड। अब बात करते हैं हम अगला। अगर दे रखा हो एडजस्टमेंट में, तो सर एडजस्टमेंट में कैसे दे सकता है पता है इंश्योरेंस के बारे में? दो तरीके से। या तो सिर्फ इंश्योरेंस के ऊपर देगा, अकेला इंश्योरेंस की बात करेगा वो, या तो सिर्फ कहेगा वो इंश्योरेंस पे एडजस्टमेंट होगा। या एडजस्टमेंट बनेगा आपका इंश्योरेंस लाइफ वाले प्लस जनरल वाले दोनों पे, या होगा लाइफ प्लस जनरल। सर अगर लाइफ प्लस जनरल हुआ, अगर सिर्फ इंश्योरेंस हुआ, तो सर यहां पे दो बातें हो सकती हैं। यहां पे या तो वो एडजस्टमेंट जो रहा होगा, या तो रहेगा प्रीपेड से रिलेटेड, या फिर किससे रिलेटेड होगा? आउटस्टैंडिंग। यही तो होगा हमारा, है ना? यानी अगर इंश्योरेंस के ऊपर एडजस्टमेंट की बात करें, तो सर या तो प्रीपेड बोलेगा वो, या आउटस्टैंडिंग। जैसे कि पिछला सवाल देखो आप, यहां पे भी था ना इंश्योरेंस के ऊपर, तो एडजस्टमेंट पे था इंश्योरेंस, तो क्या कह रहा था सर? प्रीपेड कह रहा था। तो प्रीपेड का क्या ट्रीटमेंट है और आउटस्टैंडिंग का क्या ट्रीटमेंट है? तो मैं यहाँ पे इसको पता है कैसे फिनिश करना चाहूंगा? आपका नॉर्मल जैसे बिफोर एडजस्टमेंट है, सर कौन सा एडजस्टमेंट है आपका? जैसे नॉर्मल एडजस्टमेंट हुआ था हमारा प्रीपेड वाला, और नॉर्मल हुआ था आउटस्टैंडिंग वाला, वही ट्रीटमेंट होगा। अगर प्रीपेड हुआ तो माइनस एसेट्स में, आउटस्टैंडिंग हुआ तो एड और लाइबिलिटी में। तो इसका नॉर्मल एडजस्टमेंट की तरह। मगर दोनों इंक्लूड हुआ, अगर दोनों इंक्लूड हुआ सर, तो अगर बोथ हुआ दोनों, लाइफ इंश्योरेंस जनरल इंश्योरेंस, तो फर्स्ट आपको कैलकुलेट करना होगा, कैलकुलेट करना होगा लाइफ इंश्योरेंस कितना है, एंड सर जनरल इंश्योरेंस कितना है? सर जब तक मैं इसका एक एग्जाम्पल नहीं लूंगा ना, आपको मजा नहीं आएगा इसमें। सर मजा नहीं आएगा। देखिए मैं एग्जाम्पल यहां ले लेता हूं। ये हमारा ट्रायल बैलेंस है। ट्रायल बैलेंस में इंश्योरेंस लिखा मान लेते हैं 5,000, नीचे एडजस्टमेंट लिखा इंश्योरेंस इंक्लूड ₹2,000 फॉर प्रोप्राइटर लाइफ एंड बैलेंस बैलेंस अप टू 31
7/2023 अकाउंटिंग कर रहे हैं सर हम 21 और 22 के लिए, या 22/23 के लिए अकाउंटिंग चल रही है सर, 22 और 23 के लिए। ठीक है, ये हमारा सवाल है पूरा, ये पूरा सवाल, जिसको विजुअल नहीं होगा पढ़ लीजिए आप। क्वेश्चन में क्या कहता है, 22 और 23 के लिए हम काम कर रहे हैं, यानी हमारा साल सर स्टार्ट होता होगा 1/4/2000, बोलिए 22, और खत्म होगा 31/3/2023। कहता है सर ये जो इंश्योरेंस है, तो मैंने बोला फर्स्ट कैलकुलेट, आपको पहले कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो सबसे पहले आपको कैलकुलेट करना होगा कि जो ये इंश्योरेंस है हमारा 50,000 रुपये का, इस 5,000 रुपये का, इस 5,000 में से कितना पार्ट आपका ऑनर का है, कितना पार्ट यहाँ पे। तो सर जब कैलकुलेट करेंगे कितने पार्ट ऑनर का है, तो वेरी वेरी सिंपल सी बात है कि यहाँ क्वेश्चन ने बता दिया है कि सर इसमें 2,000 रुपये तो ऑनर का है, जो कि क्या हो गया हमारा लाइफ, और बाकी बच गए कितने, 3,000। और 3,000 रुपये जो पेमेंट कर रखा है सर, वो कहीं ना कहीं इस साल से आगे चला गया है, यानी 3,000 कहाँ तक का पेमेंट कर रखा है, 31/7/2000, यानी साल को क्रॉस कर दिया उसने, यही है ना। हमें तो 12 महीने तक निपटाना है, आपको कुछ नहीं बोल रखा है, तो आप मान के चलिए सर ये 3,000 रुपये जो दे रखा है वो 12 महीने का होगा, और इसके अंदर एक्स्ट्रा भी है। सर एक बात समझ में नहीं आई, अगर 12 महीने का हुआ तो एक्स्ट्रा कैसे हुआ, इंश्योरेंस अगर हम बीच में लेते हैं तो 12 महीने का अगर लेते हैं पॉलिसी, मान लो मैं आज की डेट पे पॉलिसी लेता हूँ, अभी दिसंबर है, तो ये तो अगले दिसंबर तक चलेगा, पॉलिसी तो 12 महीने की हुई, लेकिन फाइनेंशियल ईयर में कितने महीने का जाना चाहिए, सिर्फ 3 महीने का, जो कि 3 या 4 महीने जो भी कर लो, तो पॉलिसी डेट के ऊपर डिपेंड करता है। तो ये 12 महीने का आपको एडवांस देखना है कितने महीने का हुआ, सर मार्च तक छोड़ दो, अप्रैल मई जून और जुलाई कितने महीने का हो गया, 4, तो मल्टीप्लाई बाय 4 करोगे तो इससे आपको क्या पता चलेगा कितना पार्ट प्रीपेड है, क्योंकि इसके आगे वाला जो ईयर होगा, इसके आगे वाला टाइम सारा एडवांस वाला होगा, और इसके आगे वाला जो सारा एडवांस वाला है, एडवांस को क्या कहते हैं हम, प्रीपेड कहते हैं ना, तो ये क्या होगा हमारा प्रीपेड। तो ये 3,000 रुपये में से कुछ हिस्सा क्या माना जाएगा, प्रीपेड माना जाएगा। कितना हिस्सा प्रीपेड माना जाएगा, इसको अगर सॉल्व करते हैं तो क्या आता है बताइए, 1,000 रुपये सर इसमें क्या है हमारा, प्रीपेड है। यानी पी एंड एल के अंदर इंश्योरेंस क्या आएगा, तो इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे वो भी मैं लिख देता हूं पहले। सॉल्यूशन जब आप पी एंड एल बनाएंगे ना, तो कैसे करना है देख लीजिए, फिर मैं वहां लिखूंगा तो आपको सब समझ में आ जाएगा। सर सॉल्यूशन में क्या होगा, पहले मैं लिखूंगा आंख बंद करके इंश्योरेंस, सर इंश्योरेंस कितना है, फिर सबसे पहले माइनस कर दूंगा ड्रॉइंग, ड्रॉइंग कितने का था, यहां से माइनस करके कहां ले जाएंगे, कैपिटल में से माइनस, क्योंकि ये क्या है ड्रॉइंग है, बचा कितना 3,000, फिर माइनस क्या करेंगे कितने, 1,000 कहाँ ले जाएंगे, एसेट्स में ले जाएंगे, बचा कितना 2,000। अब 2,000 बस पी एंड एल के अंदर रह जाएगा फाइनली, समझ में आ रही है बात आपको। यानी सर अगर इस टाइप का क्वेश्चन हुआ तो क्या करना है, सर इस टाइप का अगर क्वेश्चन हुआ तो इसके दो हिस्से हो जाएंगे, मैं यहीं पे एग्जाम्पल भी ले लेता हूं आपके लिए, सर यही एग्जाम्पल ले लेता हूं, 5,000 है, इसके दो टुकड़े करेंगे, एक तो एल आई सी इसमें से निकालिएगा, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी एल आई पी लिख रहा हूं मैं यहां पे, एक तो लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी को सेपरेट करिए और जनरल इंश्योरेंस को सेपरेट करिए। जो हमारा एल आई पी है इसकी दो एंट्री करेंगे, इसकी भी सर दो एंट्री कहां कहां करोगे, एक तो हो जाएगा लेस, सर लेस हो जाएगा कहां से, फ्रॉम इंश्योरेंस, दूसरा क्या होगा सर लेस हो जाएगा कहां से, फ्रॉम कैपिटल, सर दूसरा लेस हो जाएगा फ्रॉम कैपिटल, बताइए समझ में आया ये।
तो ये मैंने कौन से वाला हिस्सा किया, ये वाला हिस्सा। अब दूसरा एस्पेक्ट पेंडिंग है कौन सा है, अगर सिर्फ जर्नल हुआ तो ऐसा ही छोड़ देना अगर 12 महीने का ही है तो, लेकिन अगर प्रीपेड इसके अंदर निकला, अक्सर एग्जामिनर इसमें प्रीपेड देगा जानबूझ के, अगर हाँ जर्नल वाले में हाँ, क्योंकि वो बोल देगा अप टू इतने महीने तक, अगर जर्नल निकला तो इसके अंदर क्या करेंगे, अगर हुआ प्रीपेड तो की बात बता रहा हूं मैं, अगर हुआ प्रीपेड तो एक हो जाएगा लेस फ्रॉम इंश्योरेंस, कब, इन केस प्रीपेड सर, आउटस्टैंडिंग भी हो सकता है तो आउटस्टैंडिंग में ऐड हो जाएगा, सिंपल सी बात है। और दूसरा कहां जाएगा सर, बैलेंस शीट एसेट साइड, बैलेंस शीट एसेट साइड, ये तो आएगा नहीं, ऐसे खींच देते हैं नहीं, चलिए एक छोटा सा कॉन्सेप्ट था हमारा प्रीपेड इंश्योरेंस का, क्लियर है। आपके बुक में एक क्वेश्चन भी है कैसियो 12 डिजिट, हाँ ये भी चल जाएगा कैसियो का भी, बस टैक्स की नहीं होना चाहिए। आपके किताब में एक एग्जांपल है, हेडिंग कौन सा है सर, 10, दसवें में देखिए आप, यहां पे प्रीपेड इंश्योरेंस लास्ट में क्या कहता है, इंश्योरेंस इंक्लूड 4000 टुवर्ड द प्रोप्राइटर लाइफ इंश्योरेंस बैलेंस, कब तक के लिए इसने, बैलेंस के बारे में क्या बोला है सवाल में बताइए एक बार, कौन सी डेट से लेके कौन सी डेट तक है, यानी 1/4 से 2000, अब डेट दे रखा है स्पेसिफाई, स्टार्टिंग भी और एंडिंग भी, तो अब डेज काउंट करोगे तो कितने महीने हो जाएंगे सर, 18 महीने। तो अब जो डिवाइडिंग करोगे ना उस केस में, 12 से नहीं 18 से डिवाइड करना है, समझे बात आप। अगर आपको मेरे क्वेश्चन में ये थोड़ी था कि इसने बोला भैया बस इस दिन ही खत्म हो जाएगा, तो हमने पूरे साल का अजम्पशन लेके कर दिया। अगर क्वेश्चन के अंदर आपको स्टार्टिंग और एंडिंग डेट दे दे तो आप उतने मंथ कैलकुलेट करोगे, डिवाइड उससे करोगे और जितना प्रीपेड है उससे करोगे, फटाफट उसका इंश्योरेंस एक बार निकाल के दिखाओगे कितना पी एंडल में आएगा, जो आपके पास सवाल है। आप सभी ने, जो बच्चे लाइव हैं, बुक ले लिया है नहीं लिया,